तो गाइस मेरे साथ गौरव सर है और साथ में कैलाश सर भी है। सो सर कैसे हो? ऑल गुड मैन, हाउ आर यू? एंड आज आप लोग को इन दोनों का मेकओवर और कैसे ये लोग एलियन बनते, सभी मेकअप का प्रोसेस सभी कुछ बताने वाला हूँ, तो बने रहिए व्लॉग के साथ गाइस। यहाँ पे पहले आप लोग देख सकते हैं गौरव सर है, उनकी आंख में पहले तो वो लेंस लगाते ताकि उनकी आंख जो है वो अच्छे से एलियन की तरह दिखे। यहाँ पे आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। और गाइस उसके बाद हम लोग जैसे लेंस लगा लेते उसके बाद देख सकते हो फेस पे थोड़ा टचअप होता है और उसके बाद मास्क के ऊपर का हिस्सा लगता है जो कि आप लोग देख सकते हो अभी स्क्रीन पे। और उसके बाद गाइस यहाँ पे मास्क को सही से लगाते फेस पे और उसके बाद गाइस यहाँ पे मास्क में ग्लू लगाते सही से। और गाइस अभी इस मास्क को थोड़ा सा सुखाते और इसको फिर से चिपका देते गाइस। और गाइस इसी तरह से पूरे मास्क को चिपकाते यहाँ पे ये देख सकते हो मास्क यहाँ पे साइड में से सब जगह से चिपका दिया है और अभी यहाँ पे थोड़ा सा टचअप कर रहे हैं मास्क पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चेहरे पे कुछ इस तरीके से ये लगा रहे होठों के नीचे। यहाँ पे इन लोग ने पर्पल कलर ले लिया और पूरे फेस पे अभी ये लोग कलर करेंगे पर्पल कलर। यहाँ पे देख सकते हो मास्क में और पूरे फेस में कलर कर रहे पर्पल ताकि पूरा का पूरा लुक अच्छे से आए। गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे गले पे भी कलर कर रहे। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फेस अभी थोड़ा बहुत पूरी तरह से कलर हो ही चुका है गाइस। तो गाइस अभी यहाँ पे फेस पे कलर होने के बाद यहाँ पे मास्क में थोड़ा सा टचअप कर रहे ताकि रियल जैसा लुक आए। सकते अभी यहाँ पे मास्क पे ऊपर की साइड यहाँ पे लाइन कर रहे, लाइन को टचअप कर रहे। Oh,
गाइस यहाँ पे अभी लिप्स को भी यहाँ पे कलर कर रहे और टचअप कर रहे लिप्स को भी। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो गौरव सर अभी पूरा का पूरा वियोम का कॉस्ट्यूम पहन चुके, और यहाँ पे अभी गले में फाइनल टचअप हो रहा है ताकि जो अपना स्किन कलर है वो दिखे नहीं शूटिंग के दौरान। बस अभी यहाँ पे फाइनली पूरा कलर का टचअप ऑलमोस्ट हो ही गया है, देख सकते हो। अभी गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो लोगो टाइप है वो यहाँ पे सही से ठीक से लगा रहे। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एलियंस के हाथ में खाली 3 फिंगर होते, तो यहाँ पे देख सकते हो हीरो में कुछ इस तरीके के ग्लव्स पहना देते ताकि जो एलियंस होते उनकी 3 फिंगर हो जाए, यहाँ पे 5 ना दिखे। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप के ग्लव्स होते हैं। बस ये देख सकते हो ये पूरा का पूरा वियोम का लुक है, कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना गाइस। सो गाइस अभी यहाँ पे मैं फाइनली सेट से वापस घर पे आ चुका हूँ, और गाइस यहाँ पे मैंने आप लोग को आज एलियंस का ट्रांसफॉर्मेशन बताया कि कैसे वो लोग रेडी होते हैं। और गाइस एक बात बता दूँ यार कि उनको रेडी होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है, करीब करीब 2 से 3 आवर लग जाते हैं पूरा कॉस्ट्यूम मेकअप वगैरह सब करने के लिए, जो कि मैंने आज आप लोग को बता ही दिया। और गाइस आप लोग को बता दूँ कि उनका मेकअप पूरा कॉस्ट्यूम वो सबका वज़न करीब 2 किलो के आसपास रहता है। सो इतने वजन के साथ शूटिंग और सब मैनेज करना यार काफ़ी ज़्यादा टफ है, और उन लोग को शूटिंग के यानी कि पूरे 12 आवर्स तक उन लोग को कॉस्ट्यूम पहने ही रखना पड़ता है, तो यार काफ़ी टफ चीज़ है ये। और गाइज अभी यहाँ पे भी मैं घर पे आ चुका हूँ, सुबह 6 बजे से मैं गया था और अभी यहाँ पे शाम के 5:30 हो रहे हैं। सो गाइज अभी यहाँ पे मैं घर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे अभी वक्त आ चुका है ये वीडियो को यहीं पे एंड करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी जाकर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं मिलूँगा आपको ऐसे नए और एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।